पापा जी आपके पास 100 का छुट्टा है। वाओ, कूड़ा कूड़ा कड़क कड़क नोट। कितनी बार तो सब्जी वाले से कहा है कि छुट्टे लेकर आया कर, नहीं तो सब्जी नहीं लूंगी, पर वो मानता ही नहीं। आज फिर से भूल आया उल्लू का पट्टा। I'm sorry पापा जी, गलती से निकल गया मुंह से। आपने अलमारी क्यों बंद कर दी? छुट्टे दीजिए ना। मेरे पास छुट्टे नहीं है, किसी और से ले ले। ठीक है तो 100 का नोट दे दीजिए। वो भी किसी दूसरे से ले ले, सूर से ले ले। पापा जी वो तो नहीं है, वो नीरज और राजू के साथ मैच देखने गए हैं, नाइट क्रिकेट, रात को देर से लौटेंगे। अच्छा तो अपनी बीजे से ले ले। मेरे कोल नहीं है। झूठ मत बोल किरण, तेरे पास तो 100 का सबसे बड़ा नोट है। सबसे बड़ा नोट? हाँ मुझे पता है, इसने कहाँ संभाल कर रखा है इतने सालों से। मेरी कोई भी चीज तुम्हारे को छुपी नहीं है। मुझसे क्या छुपाना, मेरी माँ ने तो दिया था तुझे ये नोट, देख। वाओ, आपकी सास ने दिया था आपको ये नोट? हाँ पुत्र, मेरी मुंह दिखाई का है ना, हिस्टोरिकल नोट। और आप चाहते हैं कि ये हिस्टोरिकल नोट मैं सब्जी वाले के लिए तोड़वा दूं? सब्जी लेना तो बहुत जरूरी है पुत्र, सब्जी नहीं लेगी तो मेरे लिए खाना कैसे बनाएगी? पापा जी मैं ऊपर जाकर दूसरा नोट ले आती हूँ। सुबह ही सूरज ने मुझे 10,000 रुपए दिए हैं घर खर्च के लिए, सब्जी वाले से कह दूंगी वो छुट्टे करके ले आएगा। सब्जी वाले की टोकरी रखवा लेना, कहीं 100 का नोट लेके ना भाग जाए। सब तोड़ने वर्गे नहीं होंगे। मेरे वर्गे? कड्डो जी मेरा नोट कड्डो और वापस अलमारी में रख दो। ओहो पता नहीं क्यों रखा तूने ये संभाल कर 100 का नोट, अब तो इस कागज के टुकड़े की कीमत भी नहीं रही। इस कागज के टुकड़े विच मेरी सास का प्यार छुपा हुआ है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। चलो जी मैं जरा अपनी बहू को सिनेमा दिखा के लाती हूँ। अचानक सिनेमे का प्रोग्राम कैसे बन गया? वो अचानक 100 का नोट जो मिल गया। ओए बेड़ा गरक, तुरानू पै गया मोर। द गॉड इज ग्रेट, वो एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। किरण बाला मेरा 100 का नोट तो ले गई, लेकिन मुझे घर में अकेले रहने का मौका दे गई, और अकेले में मैं वो करता हूँ जो सबके सामने नहीं कर सकता। इंसान को हर तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो आज एक्सपीरियंस लेता हूँ डिस्को डांस का। प्रेम बंधु। मैं तुम्हें बंधु लगता हूँ? अब बंधु तो हम हैं ही, और प्रेम हमारा सरनेम है, यानी कि प्रेम ब्रदर्स। ये है सबसे छोटा प्यारे प्रेम, ये मजला नैन प्रेम, और मैं सबसे बड़ा अमर प्रेम। तुम लोग यहाँ प्रेम लीला खेलने आए हो? अजी वो भी खेल लेंगे अगर सूरज भाई चाहें तो। कौन सूरज भाई? हाँ सूरज, वो तो बाहर गया है, उसे को काम है, मुझे बता दो मैं उसका पापा जी हूँ। पापा जी। जीते रहो जीते रहो। मैंने सो तुम लोगों ने खूब सीख रखे हैं, अच्छे घर के लगते हो, सूरज के साथ काम करते हो? करना चाहते हैं। वो क्या है पापा जी कि सूरज भाई जो नया क्लब खोल रहे हैं ना, उसकी मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हम लेना चाहते हैं। क्यों? और क्योंकि हम क्लब चलाने में एक्सपर्ट हैं। ये छोटा प्यारे खाना संभालेगा, ये मझला नैन पीना संभालेगा, और मैं संभालूंगा खेलना। खाना पीना तो मैं समझा, लेकिन खेलना क्या हुआ? वही जो सारे क्लबों में खेला जाता है पापा जी, ताश। ताश? यू मीन गैम्बलिंग? अरे घर का दरवाजा तो खुला है, बहुत ही निजात, ये लाइट क्यों जगमगाई? हाँ जैसे किसी डिस्को में स्ट्रोब लाइट्स होते हो। पापा जी ताश के बामन पत्ते पंजे छिक्के और सत्ते सबके सब हर जाई, मैं लुट गया राम दुहाई। ओहो ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? हाँ मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस अंधेरे उजाले में। होल थिंग इज दैट कि हम लाइट ऑन करें। नहीं नहीं लाइट ऑन मत करना, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? क्या कह रहा हूँ, मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। वो तो कहिए ना पापा जी, बताइए क्या बात है? वाह आप ऐसी लुटी हुई अबला की तरह रोइंग रोइंग, मैं सचमुच लुट गया पुत्र। ओहो पापा जी आप शांत हो जाइए पापा जी, और हमें ये बताइए कि बात क्या है? मैं ताश में 10,000 रुपए हार गया पुत्र। क्या? कितनी बढ़िया हंसी, अगली बार भी जाए। अरे सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं पापा जी? हाय हाय भूख के मारे ऐसी हालत हो गई इनकी। मेरी तो भूख मर गई है किरण, मैं 10,000 रुपए हार गया ताश में। 10,000 ताश में? हाँ लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा 100 का नोट किरण बाला जो ले गई थी वही जीतने के लिए मैं ताश खेलने बैठ गया प्रेम बंधुओं के साथ। प्रेम बंधुओं के साथ? वो तीनों यहाँ आए थे पापा जी, आपने उन तीनों को अंदर आने क्यों दिया? वो तो एक नंबर के बदमाश है। नहीं नहीं वो तो चंगे बंदे हैं, खास करके बड़े वाला अमर प्रेम, वो तो मेरे पत्ते देख देखा मेरी हेल्प भी कर रहा था। लेकिन आप खेल क्या रहे थे पापा जी? फ्लैश। तीन पत्ते? हाँ वही। Means the whole thing is that कि वो अमर प्रेम आपके सारे पत्ते देखी?
हाँ? नहीं नहीं पापा जी नहीं, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि फ्लश खेलते वक्त अपने पत्ते किसी को भी नहीं दिखाते? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि वो मुझे अपने पत्ते क्यों नहीं दिखा रहा था। वो आपको फंसाता रहा पापा जी। और मैं फंसता गया, मेरी एक भी बाजी नहीं लगी। मैं हारता गया वो जीतता गया, मैं हारता गया वो जीतता गया। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए तो उसने अपनी जेब से नोटों का बंडल निकाला और कहा जी जीतना है तो अपनी अलमारी से दूसरे पैसे निकालो। ओ गॉड पापा जी, तो क्या आप उसके 100 के नोटों के बंडल जीतने के सपने देख रहे थे? सपने मतलब जो सपना था सच नहीं था। व्हाट ए रिलीफ। नहीं नहीं पापा जी, ये सपना नहीं था, ये हकीकत है। हकीकत है? टेंशन टेंशन टेंशन, टू मच टेंशन। मैं क्या जी, हुन टेंशन करके की फायदा? जो ताश खेलना नहीं आता तो ना खेलते। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। आपकी माँ? इसमें मेरी दादी माँ क्या कर लेती पापा जी? तेरी दादी मेरी माँ किरण बाला की सास झट से दूसरा 100 का नोट दे देती। लेकिन जब आप ताश में हार गए हैं तो वो बीजी को 100 रुपए क्यों देती? मुंह दिखाई के। लेकिन मैनू मुंह दिखाई के 100 रुपए वो कब का दे चुकी? ओहो, तू ठीक से सुन नहीं रही मेरा रोना। कब से कह रहा हूँ कि घर में जितने भी पैसे थे सबके सब मैं हार गया। जितने भी पैसे मतलब? मतलब जितने भी पैसे थे। की मतलब है तोड़ा? मेरा मतलब है कि घर के सारे पैसे में हार गया, एक भी नोट नहीं बचा 100 का, ना नया ना पुराना। तोड़ा मतलब है मेरी मुंह दिखाई का 100 रुपया भी तुसी हार गए? हाय रब्बा। आई एम सॉरी किरण, मुझे माफ कर दे। आखिर कब तक बात नहीं करेगी मुझसे उस नोट के लिए? प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। देख, तू मेरे से बात नहीं करेगी ना तो मैं चला जाऊंगा। खुद ही चलेगी, अब मैं कैसे बनाऊं इसे? बीजी नहीं मानेगी पापा जी, आपने ऐसा किया ही क्यों? और नहीं तो क्या, बीजी की मुंह दिखाई के 100 रुपए हार गए जो वो इतने सालों से संभाल के रखेंगे। आप चाहे जितना भी हार जाते पापा जी, हम कुछ नहीं कहते, ये सोचते कि हमने गरीबों में दान कर दिया। लेकिन लेकिन मैं तेरी बीजी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ। आप कुछ भी करने को तैयार हो पापा जी? हाँ। गुड, आप ताश खेलोगे? नहीं नहीं, ताश मैं नहीं खेलूंगा। आप ताश खेलोगे पापा जी, और प्रेम बंधुओं के साथ ताश खेलोगे, और इस बार आप जीत जाओगे, क्योंकि इस बार आपको किंग ऑफ हार्ट्स ताश खेलना सिखाएगा। किंग ऑफ हार्ट्स यानी कि दिल का बादशाह? कौन है ये? व्हाट डू मीन कौन है ये? मैं हूं किंग ऑफ हार्ट्स। कॉलेज के दिनों में मेरे दोस्त मुझे किंग ऑफ हार्ट्स कहकर बुलाते थे, क्योंकि हर बार जब भी मैं ताश खेलता था मैं जीत जाता था। इसलिए मैं आपको ताश खेलना सिखाऊंगा और आप बीजी का 100 का नोट जीत जाओगे। लीजिए पापा जी, इसमें साफ साफ लिखा है कि 3 पत्तों में कौन कौन सा सेट बड़ा होता है और सबसे बड़ा सेट कौन सा है, है? ये तो बड़ा आसान है, है ना? मैं तो समझता था कि वो मेरे पत्ते देखेगा, मैं उसके पत्ते नहीं देखूंगा और जीतूंगा, लेकिन जीतता गया वो। चलिए पापा जी, एक एक हाथ हो जाए। हाँ। नहीं पापा जी, पत्तों का हाथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात पापा जी, पत्ते देखने के बाद सामने वाले को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आपके हाथ में कैसे पत्ते हैं। जैसे कि अब मैं अपने पत्ते उठा रहा हूं, देखिए मेरे पत्ते नहीं पापा जी, मेरा चेहरा देखिए, आपको कुछ नजर आ रहा है मेरे चेहरे पर? हाँ, तेरे गाल पर ये काला काला है कुछ। पापा जी वो तो इनका तिल है। इसका मतलब आपको कुछ पता नहीं चला। अब आप अपने पत्ते उठाइए और ध्यान रहे, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके हाथ में कैसे पत्ते हैं। उठाइए उठाइए, कम ऑन पापा जी। अच्छे पत्ते हैं पापा जी। तुझे कैसे पता चला? पूरे मोहल्ले को पता चली। कुछ नहीं होगा आपका पापा जी, कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ सोचना होगा, मुझे ही कुछ सोचना होगा। सोच लिया। वेरी गुड पापा जी पहले सुन तो लीजिए कि सोचा क्या है। मैंने सोचा है एक प्लान। अमर प्रेम अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा है ना, अगर मैंने उसे अनाड़ी नहीं बना दिया ना तो मेरा भी नाम किंग ऑफ हार्ट्स नहीं, इसी को कहते हैं
लोहार की एक, सोनार की 100। वाह उमर प्रेम, तुम तो बहुत अच्छे शफल कर लेते हो। इसीलिए तो कहता हूँ सूरज भाई कि आपके क्लब की मैनेजमेंट हमें सौंप दीजिए, हम जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब तक हमारा क्लब शुरू नहीं हो जाता, मैंने सोचा क्यों ना हम यहीं बैठकर पापा जी के साथ ताश खेले, पापा जी का शौक भी पूरा हो जाएगा और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुम मेरा क्लब चलाने के काबिल हो या नहीं। अरे सूरज भाई, आपका क्लब चलाने के लिए मुझसे बेहतर इंसान आपको मिलेगा ही नहीं। ताश खेलने वाले ऐसे ही नहीं कहते मुझे हुक्म का इक्का, ताश का सबसे ऊंचा पत्ता, ताश का सबसे ऊंचा खिलाड़ी। डील करूं पापा जी? हाँ कर कर। मैं पैक। मैं अंधा। ब्लाइंड। ब्लाइंड। मैं भी गया। तो ये मैंने कवर किया पापा जी को। दिन चार आ गई। लगता है बहुत अच्छे पत्ते आए हैं पापा जी। नहीं नहीं, ये मैं एक और आया। अच्छा तो मैं शो करवाता हूँ, मेरे पास इक्का टॉप। मेरे पास पैर है। ओहो तुम फिर जीत गए अमर प्रेम। अमर प्रेम नहीं सूरज भाई, हुकुम का इक्का, और हुकुम के इक्के से जीतना नामुमकिन है। मैनू तो खेलना ही नहीं आंदा, ताशे खिलाड़ियों में मैं सबसे क्या गुजरा खिलाड़ी हूँ, मैं आता रहता हूँ आता रहता हूँ। पापा जी शायद अगर मैं आपकी जगह बैठ जाऊँ तो आपकी किस्मत बदल जाए। तू खेलेगा मेरी जगह? अच्छा अच्छा, तेरे दिमाग में अभी अभी ये आइडिया आया, तूने पहले तो नहीं सोचा ना? इसने पहले नहीं, हमारा ऐसा कोई पहले का प्लान नहीं है कि मैं हारूंगा मेरी जगह ये खेलेगा। पापा जी आइए। Absolutely right. वैसे अमर प्रेम अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो कुछ हाथ सिर्फ तुम और मैं खेल ले। हम दोनों में मुकाबला, तब तो बहुत मजा आ जाएगा सूरज भाई। लगता है बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हो। कहाँ पहुंचे हुए? डैड भी आप ही की तरह खेलते हैं ना पापा जी। The whole thing is that कि बेटा भी तो बाप की तरह ही होएंगे ना नीरज बाबा। बाप तो ये अमर प्रेम लगता है ताश का। सूरज सूरज तू भी तो हाँपता जा रहा है। तो क्या हुआ पापा जी, गेम का मजा तो आ रहा है क्यों अमर प्रेम? हाँ हाँ मजा आ रहा है, ये मैं आया। ठीक है मैं भी आया। पैसे डालिए सूरज साहब। पैसे पापा जी मुझे पैसे दीजिए। बस कर होए, दो ही नोट रह गए 100 के। काफी है, इस बार मैं जीतूंगा। पिछली बार भी आपने यही कहा था डैड, और पिछली बार भी आप हार जाएंगे साहब जी। इस बार मैं नहीं हारूंगा, नोट दीजिए। ये मेरी चाल। मैं तो डर गया, शो कर लेते हैं। बस मेरे पास है ट्रायो, 3 गुलाम। मैंने कहा था ना इस बार मैं जीत जाऊंगा। एक मिनट सूरज साहब, मेरे पत्ते भी तो देखिए, 3 बादशाह है मेरे पास। ओह नो। ओह यस, कर दिया ना बेटा, अगर हार गया ना सब कुछ, आखिरी नोट बचा है 100 का, वो भी हार दे। अच्छा क्या? अच्छा उल्लू का पट्टा, मैं टॉन्ट कर रहा हूँ। जी पापा जी टॉन्ट नहीं करते, एक तो मैं ऑलरेडी हार रहा हूँ और फिर भी खेले जा रहा है। चलो उठ। मैं नहीं उठूंगा। चलो उठ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। पापा जी, पापा जी। उल्लू के पट्टे ही तू क्या कर रहा है? हार रहा है, यही तो प्लान है पापा जी। पहाड़ में गया तेरा प्लान, वो तो जीत रहा है। ऐसा कौन समझ रहा है? मैं भी वैसा ही समझ रहा हूँ, हारना ही है तो मुझे खेलने दे, मैं तो हारने में एक्सपर्ट हूँ। पापा जी प्लान को मत भूलिए, प्लान को मत भूलिए, और ये भी मत भूलिए कि मैं कौन हूँ, किंग ऑफ हार्ट्स। और वो है हुकुम का इक्का, तेरे से ज्यादा पावरफुल। अभी निकाल दो उसको। पापा कम ऑन माय फ्रेंड। पुलिस पुलिस? नहीं नहीं पुलिस नहीं, माँ और बीजी आए होंगे मंदिर से, मैं देखता हूँ। कितनी गर्मी है बाहर। हाँ जी बीजी, ठंडा ठंडा पानी पी। सूरज सूरज ये आप क्या कर रहे हैं? देख नहीं रही, ताश खेल रहा है। पापा जी ये आपने क्या कर दिया? मैंने, इसने कहा मैं ताश खेलूं, मैंने कहा खेल। लेकिन पापा जी आपने इन्हें क्यों ताश खेलने दिया? इन्हें तो ताश खेलना आता ही नहीं है, ये तो हार जाएंगे सब कुछ हार जाएंगे ये। आप रोकिए नहीं ना प्लीज, पापा जी आप तो रोकिए ना, वरना ये सब कुछ हार जाएंगे। ये तो ऑलरेडी सब कुछ हार चुका है। क्या? तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। हाय कितनी मुश्किल से छुड़वाई थी मैंने इनकी ये आदत, आपको पता नहीं है पापा जी, ये अपने आप पर बिल्कुल काबू नहीं रख सकते। आप तो सिर्फ कैश हारे थे ना, ये सारा का सारा घर दांव पर लगा देंगे। और हार जाएं? हाँ मतलब डैड को रोकना होगा। हाँ। सूरज प्लीज उठिए ना प्लीज। मैं नहीं उठूंगा। पुत्र पुत्र उठ जा पुत्र। नहीं बीजी, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं खेलूंगा।
और हारेगा। उठ जा। नहीं उठूंगा। उठ। नहीं उठूंगा। उठ। नहीं उठूंगा। उठा। क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। छोड़। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है बता रहा मुझे, आपको मेरी कसम। सूरज भाई, एक आखिरी बाजी और हो जाए, आप भी क्या याद करेंगे। जितना भी माल मैं जीता हूं आपसे और आपके पापा जी से, वो सारा का सारा माल दाव पे लगा देता हूं। ये नोट भी? अगर आप जीत गए तो ये सारा माल आपका, लेकिन अगर आप हार गए तो इतना ही और मुझे देना पड़ेगा। मंजूर? यू मीन डबल और क्विट्स? क्विट क्विट सूरज, क्विट कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, फिर तेरी बीजी का नोट वापस कैसे मिलेगा? नोट वापस मिलेगा या ऐसा ही एक और देना पड़ेगा? बोलिए सूरज भाई। ओके, डील मैं करूंगा। ओए बेड़ा गर्क, तू तो फिर हार गया। पंजे से बड़ा पता नहीं है तेरे पास, लगाऊंगा थप्पड़। मतलब फिर जीत गया हुकुम का इक्का। मेरे पास सीक्वेंस है। तुम हार गए चिड़ी के गुलाम। चिड़ी का गुलाम? पापा जी ने ठीक कहा था, मेरे पास पंजी से भारी पत्ता नहीं है। ये देखो, पहली पंजी, ये दूसरी पंजी, ये तीसरी पंजी। मैं हार गया और मैं जीत गया। अबल बल्ले बल्ले, शावा शावा शावा, अबल बल्ले बल्ले, शावा शावा शावा। अपने आप को बहुत होशियार समझते थे ना प्रेम बंधु, मेरे भोले भाले पापा जी को फंसाकर लूटते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? यह नाटक मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया कि मुझे ताश खेलना नहीं आता। और जब नम्रता ने आके वो ड्रामा किया तो तुम तो पूरी तरह से फंस गए। मैंने अपना मकसद पूरा कर दिया, बीजी का 100 का नोट मुझे वापस मिल गया। पापा जी, पापा जी, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हम जुआरी नहीं है और हमारे क्लब में जुआ खेलना अलाउड नहीं होगा। नाउ गेट आउट। जाने मन, अब तो मुंह दिखा दे।